नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है एक पैनी शेयर है, ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है और कई बार हमें कमेंट्स आया कि आप ऊर्जा ग्लोबल पर एक वीडियो बनाओ और उसमें बताओ क्या हमें बाइंग करनी चाहिए। हमने पहले भी इस पर अपडेट दिया था और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। तो ऊर्जा ग्लोबल देख सकते हैं 3.60 रुपये का आज इस पर लोअर सर्किट लग चुका है। तो समझ सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो अट्रैक्शन होता है उसे ट्रैप कर दिया जाता है। देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल लगातार जो है हमारा एक महीने से देख सकते हैं इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा था और आज ये लोअर सर्किट, मतलब लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। तो अगर अब कंटिन्यू रहता है आगे भी लोअर सर्किट तो फिर आप इस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर जो आप ट्रैप हुए हैं यहाँ पर, मतलब इस हाई लेवल प्राइस पर आपने जो इसमें ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो अब आपको निकलना यहाँ से मुश्किल है। क्योंकि देख सकते हैं इसका जो एवरेज प्राइस रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 रुपये से अधिक कभी ये नहीं गया है। देख सकते हैं एक साल में 5 ईयर्स में देखिएगा तो ये पहले देख सकते हैं एक बार हाई बनाया था 9 रुपीज़, अब वहाँ से आ चुका था 95 पैसा तक। तो समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ट्रैप करता है रिटेल इन्वेस्टर को। देख सकते हैं 27 मार्च को इसका प्राइस था 95 पैसा और यहाँ से ये लगातार जो है देख सकते हैं गया हमारा 3 रुपीज़ 90 पैसा और ये लगभग जो है आपको 300% का रिटर्न दिया। और वहाँ से आप देख सकते हैं और हाई प्राइस पर, इस हाई प्राइस पर जो भी इसमें ट्रैप हुए हैं अब उन्हें कम निकलने का मौका मिलता है, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में बात करते हैं। ऊर्जा ग्लोबल कैसा रेवेन्यू है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, कौन से प्रोडक्ट को ये सेल करता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका चार्ट देख लीजिए, ये हमारा मैक्सिमम ईयर का चार्ट हम इसमें लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर NSE पे ये लिस्ट हुआ है कब से, 2017 से। BSE पे पहले से लिस्टेड था, NSE पे ये 2017 से लिस्ट हुआ है और उस समय से देखते हैं अभी तक इसमें चार्ट में कोई भी मतलब दम नहीं दिख रहा है। इसका चार्ट बहुत ही वीक है। तो जो स्टॉक का चार्ट बहुत ही वीक हो तो मतलब उस चार्ट में स्ट्रांगनेस नहीं हो तो आपको वैसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, चाहे पैनी स्टॉक हो या एक अच्छे ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक हो जिसका चार्ट स्ट्रांग है, जिस कंपनियों का बिजनेस स्ट्रांग है, आपको सब चीज़ देखना चाहिए। टेक्निकली रूप से देखेंगे तो आपको चार्ट उसका स्ट्रांग दिखना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल रूप से देखते हैं तो उसका बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए बिजनेस में, मतलब हर प्रोस्पेक्ट से वो कंपनी एक बेहतर कंपनी होना चाहिए, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो चलिए ऊर्जा ग्लोबल आपने देख लिया कि इसका जो 52 वीक लो है 90 पैसा का, यहाँ देख सकते हैं हाई जो है 3.90 रुपीज़ का है और पिछले दिन ये क्लोज हुआ था 3.75 रुपीज़ का और यहाँ से जब ओपन हुआ तो देखते 3.90 रुपीज़ पे गया और फिर ये हमारा यहाँ से 3.90 रुपीज़ जाने के बाद एक यहाँ पर 3.60 रुपीज़ पे लोअर सर्किट टच कर दिया। तो समझ सकते हैं कुछ इस तरह का प्रीवियस डे इसका ट्रेडिंग रहा है। 5 डेज में देखिएगा तो लगातार 4 दिन तक ये अपर सर्किट हिट किया और 5वें दिन ये लोअर सर्किट हिट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इसका बिजनेस। तो जो इसका बिजनेस रहा है देखते हैं ऊर्जा ग्लोबल जो हमारा है वो क्यों मतलब उसके प्राइस में लगातार आपको मूवमेंट देखने मिला था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पुश ऑन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है लाइटिंग सॉल्यूशन विथ ऊर्जा ग्लोबल प्रोडक्ट्स, बट कीप इन माइंड देयर मेन बिजनेस इन कुकिंग कोल एंड सोलर प्रोडक्ट, जो इनका कुकिंग कोल है और सोलर प्रोडक्ट जो है मात्र 25% है सेल का, समझ सकते हैं। तो टोटल मतलब 25% मात्र है इनका जो सेल्स है उसका, जो हमारा कुकिंग कोल है सोलर प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे LED बल्ब हो गया, आपको सोलर प्लेट हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आगे हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट इनका है, जो कि मतलब हमारा बैटरी जो होता है, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होता है, चार्जेबल बैटरी वो है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ये हमारा सेल करता है ऊर्जा ग्लोबल। तो उसके बाद हम इसके कारोबार को देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ NSE इंडिया पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर आपको कारोबार दिखाते हैं। यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम कितना हाई है, यहाँ पर देख लीजिए 1,18,96,037 शेयर, इतना कुल शेयर ट्रेड हुआ है, जो कि जिसमें हम आपको दिखाएंगे कितना शेयर डिलीवर हुआ है। 52 वीक हाई 12 जून को बनाया ये और लो
30 मार्च को बनाया था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद यहाँ पर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, तो फाइनेंशियल रिजल्ट पे क्लिक करिए। फाइनेंशियल रिजल्ट में यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 49 लाख का इनका प्रॉफिट है। उससे 30 सितंबर को 47 लाख का प्रॉफिट था, और अभी मार्च क्वार्टर का अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है रिजल्ट। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं 31.55% जो कि कॉन्स्टेंट रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट आया नहीं, तो पब्लिक शेयर अर्थी प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट रहा है। इसमें ज़्यादातर पब्लिक का ही होल्डिंग है, जो कि हम डिटेल में आगे आपको दिखाएंगे कि जो पब्लिक का होल्डिंग है मतलब FIDI बहुत कम है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर, पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। और जो क्वांटिटी हमारा देख सकते हैं ट्रेड हुआ है, उस क्वांटिटी में देख सकते हैं 84.22% का डिलीवरी हुआ है। तो समझ सकते हैं इस ऐसे पैनी स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसे में ही वो ट्रैप होकर के अपना रुपया लॉस कर देते हैं। आगे हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी आपको इसमें होनी चाहिए। अगर आप इसमें कभी इन्वेस्ट भी करते हैं पैनी स्टॉक में, तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको सारा का सारा अमाउंट कभी भी अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे पैनी स्टॉक में। जैसे इस पैनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उसका प्राइस जो है आपको लो मिल रहा हो, मतलब हाई प्राइस पे वो नहीं हो। अब जैसे इसमें लगातार देख सकते हैं लोअर सर्किट लग रहा है, तो ये लगातार लोअर सर्किट लग रहा है तो आप अभी बाय करते हैं तो फिर ट्रैप हो सकते हैं। जैसे ये अपने जो एवरेज प्राइस है उसके आसपास होता है, तो आप इसमें 100-200 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर ये 1 रुपया के एवरेज प्राइस पे था, तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो 100 शेयर आपके पास होता, 200 रुपये इन्वेस्ट करते 200 शेयर होता। तो ऐसे 200 शेयर बहुत ही इनफ है। अगर ये एक मल्टीबैगर रिटर्न दे देता है तो आपको भी अच्छा उस पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक्स है वो आपको डुबो देगा, वो आपको ट्रैप कर लेगा। बहुत ही कम वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो एक मल्टीबैगर रिटर्न देता है। ऐसे पेनी स्टॉक में आप ना फंसें। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो कि सेल करता है ऊर्जा ग्लोबल। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं ये सोलर प्लेट सेल करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ऊर्जा ग्लोबल वो सेल करता है, ये बैटरी भी सेल करता है ऊर्जा ग्लोबल देख सकते हैं। तो ये हमारा ये देख सकते हैं जो छोटे छोटे लाइट होते हैं आप जो सोलर प्लेट से चार्ज कर मतलब सोलर पे चार्ज करते हैं, वो सारी लाइट छोटे छोटे लाइट भी सेल करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऊर्जा ग्लोबल सेल करते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल प्रोडक्ट्स आर यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा ई रिक्शा बैटरी, ऊर्जा कंप्लीट सोलर LED स्ट्रीट लाइट, ऊर्जा सोलर PV पैनल देख सकते हैं, ऊर्जा इन्वर्टर बैटरी, ऊर्जा सोलर रूफ टॉप सिस्टम, ऊर्जा सोलर मिनी होम लाइट, मतलब छोटे छोटे लाइट जो होते हैं जिसको हम सोलर से मतलब सनलाइट से चार्ज कर सकते हैं वो छोटे छोटे लाइट होते हैं, ऊर्जा सोलर लालटेन, ऊर्जा सोलर बैटरी, ऊर्जा LED बल्ब, ऊर्जा सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ये सारे प्रोडक्ट है जो कि हमारे ऊर्जा ग्लोबल जो है वो बनाती है और उसे सेल करती है। तो ये था हमारा ऊर्जा ग्लोबल का प्रोडक्ट। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसका रेवेन्यू आपने देखा 49 लाख है, उसको करोड़ में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये रेवेन्यू कितना दिखेगा, 0.49 करोड़। मतलब 1 करोड़ भी रेवेन्यू नहीं है, समझ सकते हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू तो बहुत ही हाई है, देख सकते 36 करोड़ है, लेकिन इसका प्रॉफिट 1 करोड़ भी नहीं है उसमें। मतलब कॉस्ट जो होता है प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का बहुत ही हाई है इसके लिए, जिसके कारण इसका देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही कम है। अभी मार्च क्वार्टर का पब्लिश नहीं हुआ, मार्च क्वार्टर पब्लिश होता है तो उसका भी दिखाएंगे। अब हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि हमने आपको बात किया था कि जो शेयर होल्डिंग है FIs का देख सकते हैं मात्र 0.78 है, DIs का मात्र 0.03% है, और सारा का सारा शेयर होल्डिंग जो पब्लिक में है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। यहाँ पर देख सकते हैं FIs DIs ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हम और आप जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर, और वैसे में वो ट्रैप हो जा रहे हैं। अब आपको 1 रुपया से वो 3 रुपया गया, 4 रुपया गया, बस
आपको आगे उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, न तो आपको उसमें कोई डिविडेंड मिलने वाला है, न बिजनेस में आगे ग्रोथ होगा तो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। उसके बदले अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं HDFC बैंक का, तो वो आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो इसलिए आप जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उसमें अभी इन्वेस्ट करें, ना कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाइनी स्टॉक्स में। तो आपने समझ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं आपको, कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें जिसमें आप ट्रैप हो जाए और आपका जो कैपिटल है वो बर्बाद हो जाए। तो आप किसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, अच्छी कंपनियां हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा देना है, ताकि इसी तरह के वीडियो से आप लगातार अपडेट रह सकें।